लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बाढ़ आने से 2 घंटे बंद रहा नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग, 2.5 लाख के गहने उड़ाए, मारपीट पर आमदा हो जाता था आरोप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बाढ़ आने से 2 घंटे बंद रहा नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग, भारी वर्षा के चलते रामकोना के समीप गहरे नाले में करीब 5:45 पर बाढ़ आ गया। इससे नागपुर छिंदवाड़ा जाने वाला यातायात प्रभावित हुआ। नदी के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े हो गए। हालांकि कुछ वाहन जोबानी मार्ग से होते हुए सौसर पहुंचे, तो कुछ वाहन चालक जिन्हें छिंदवाड़ा जाना था वे रामकोना से देवी मार्ग होते हुए रवाना हुए। बाढ़ के कारण 2 घंटे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे का पुल करीब 3 वर्ष से निर्माधीन है, लेकिन अब तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर 2.5 लाख के गहने उड़ाए, पत्नी के उपचार के लिए देहरादून गए वृद्ध के घर से 2.5 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए गए। भीलगांव निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी 78 वर्षीय विजय गुप्ता 17 जून को पत्नी के साथ उपचार के लिए देहरादून गए थे। इसी दौरान ताला तोड़कर घर से 2.5 लाख के गहने तथा 5,000 रुपए चुरा लिए गए। यशोधरा नगर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। तो वहीं तीसरी ओर मारपीट पर आमदा हो जाता था आलोक, पत्नी और बच्चों सहित 5 परिजनों की हत्या करने वाले आलोक की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने मटुरकर और बोबड़े के परिजनों सहित 25 लोगों से अब तक पूछताछ का बयान दर्ज किया है। ज्ञात हो कि आलोक मटुरकर ने 20 जून की रात पत्नी विजया, बेटे साहिल, बेटी परी, साली अमीशा तथा सास लक्ष्मीबाई की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को अमीशा के मोबाइल से 28 मिनट की ऑडियो क्लिपिंग भी मिली, जिसमें प्रकरण की सच्चाई दर्ज है। आलोक के खिलाफ अदालत में फाइनल रिपोर्ट जाना तय है। पुलिस ने आलोक के ससुर देवीदास, उमरेड निवासी साली, जीजा अमीशा की सहेली तथा मित्रों सहित 25 लोगों से पूछताछ की है। हालांकि अमीशा और आलोक के करीबी आलोक द्वारा नरसंहार की वजह से पता होने से इनकार कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।